हेलो वेलकम यू ऑल आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ का पहला चैप्टर सोल्यूशन और इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन और कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन होता क्या है इनिशियल क्लासेस प्राइमरी क्लासेस से हम पढ़ते आएँ सोल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ कि अगर हमने किसी सॉल्वेंट में थोड़ा सा सोल्यूट डाल दिया तो जो प्रिपरेशन बन तैयार होगी उसे ही हम क्या कहेंगे सोल्यूशन अब ये जो थोड़ा सा वर्ड मैंने यूज़ किया है ना यही डिफ़्रेंश कर देता है सॉल्वेंट और सोल्यूट को मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो सॉल्वेंट और जिसकी क्वांटिटी थोड़ी सी है वो क्या हो गया सल्यूट और दोनों ने मिल करके के क्या बना दिया सोल्यूशन हमेशा हम सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें क्या ऐड कर देते हैं सल्यूट पार्टिकल्स और क्या मिल जाता है हमें सोल्यूशन ये जो डेफिनेशन uh, है या ये जिस तरह से हमने समझ रखा है हम हमेशा यही समझते हैं कि सॉल्वेंट मतलब कुछ लिक्विड और उसमें थोड़ा सा सॉलिड पार्टिकल और हमारा क्या बन गया सोल्यूशन लेकिन क्या ऐसा है कि केवल लिक्विड और सॉलिड मिलकर ही सोल्यूशन बनाते हैं ऐसा नहीं है मैटर की कितनी स्टेट पढ़ी है हमने तीन सॉलिड लिक्विड गैस और ये जो सॉलिड लिक्विड गैस है ये सोल्यूट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और सॉल्वेंट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं ये जो एक क्लासिफिकेशन है ये बताता है कि सॉल्वेंट की पॉसिबिलिटी क्या क्या है और सोल्यूट की पॉसिबिलिटी क्या क्या है और कितने तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं और ये एज इट इज़ क्वेश्चन एक बार सी बी एग्ज़ामिनेशन में कवर किया गया है तो आप देखेंगे गैस इन गैस एक पॉसिबिलिटी क्या है कि गैस सोल्यूट हो और गैस ही सॉल्वेंट हो और उसका एग्जाम्पल क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेस ये जो हमारे आसपास की एयर है इसमें जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है और जो कम क्वांटिटी में है वो सोल्यूट है और मिल करके इसने क्या बना लिया सॉल्यूशन सोल्यूशन ऑफ एयर अगला ये जो हम अगर याद करना चाहें तो बेहतर तरीका है कि हम एक एक सॉल्वेंट को लें पहला सॉल्वेंट है गैस अब गैस सॉल्वेंट की तरह है ये हमारा सॉल्वेंट वन है जो कि क्या है गैस है एक बार इसमें गैस के पार्टिकल्स हैं तो ये क्या बन गई एयर गैस इन गैस एग्जाम्पल एयर अगला लिक्विड इन गैस अब क्या है सॉल्वेंट तो गैस है लेकिन उसमें सोल्यूट क्या है हमारा लिक्विड पार्टिकल्स ठीक है अब जब गैस में लिक्विड जाएगा तो क्या बनेगा वाटर वेपर इन एयर एयर में अक्सर हम वाटर वेपर्स फील करते हैं मिस्ट धुंध रहती है कोहरा रहता है कोहरे में एक नमी रहती है तो वो नमी क्या है वाटर वेपर्स और मेजर क्वांटिटी किसकी है एयर की तो इस सर्कल को अगर हम गैस मान लें सॉल्वेंट मान लें और तीन पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक बार गैस इन गैस एयर एक बार लिक्विड इन गैस मतलब मिस्ट धुंध कोहरा या एयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो और तीसरी बार बची हुई कौन सी स्टेट है सॉलिड स्टेट यानी सॉलिड इन गैस सॉलिड इन गैस इसका एग्जाम्पल क्या है सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड इन टू अ गैस आपके पास कोई सॉलिड रखा है ठीक है वो धीरे धीरे सब्लाइम होकर गैस में जा रहा है सब्लिमेशन क्या होता है सॉलिड का सीधे वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना तो अगर आपने नैफिलीन बॉल्स या कपूर रखा हुआ है तो कुछ समय के बाद वो सब्लाइम हो रहा है वो एयर में जा रहा है इसका मतलब इस सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे वो इवेपोरेट होकर एयर में जा रहे हैं मतलब एयर में उनकी प्रेजेंस बढ़ रही है तो मेजर क्वांटिटी तो एयर की है अब उसमें जा क्या रहा है सॉलिड का पार्टिकल इससे भी अच्छा एग्ज़ाम्पल सॉलिड इन गैस का है स्मोक गाड़ियों से जो धुआं निकलता है या कुछ जलाते हैं हम लकड़ी जलाते हैं ईंधन जलाते हैं या किसी फैक्ट्री के पास जो स्मोक निकलता है वो किसका एग्ज़ाम्पल है सॉलिड इन गैस क्योंकि मेजर क्वांटिटी में क्या है गैस और माइनर क्वांटिटी में मतलब सल्यूट की तरह क्या एक्ट कर रहे हैं जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो बर्निंग पार्टिकल्स हैं जो uh, कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन के पार्टिकल्स हैं जो बर्न होकर के निकल रहे हैं तो ये पहला एग्जाम्पल क्या हो गया पहला केस गैस इन गैस एयर लिक्विड इन गैस धुंध कोहरा वॉटर वेपर इन एयर और तीसरा सॉलिड इन गैस स्मोक अब चलते हैं सॉल्वेंट की नेक्स्ट कॉम्पोजिशन पे अगली बार हमने कंसीडर किया कि हमारा सॉल्वेंट क्या है लिक्विड है सॉल्वेंट क्या है लिक्विड है फिर से इसे वैसे ही तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे ठीक सबसे पहले क्या गैस गैस इन लिक्विड अब पहले क्या था लिक्विड इन गैस अब क्या है गैस इन लिक्विड मतलब लिक्विड ज़्यादा है उसमें थोड़ी अमाउंट में गैस है गैस इन लिक्विड इसका एग्जाम्पल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर सुना है कभी बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक्स जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसकी बॉटल जब हम ओपन करते हैं तो वो जो आवाज़ आती है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की आवाज़ होती है वो जो उसमें एक एसेंस आप फील करते हैं पीते टाइम जो स्ट्रांगनेस आप फील करते हैं वो किसकी होती है डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड की ठीक है तो वो किसका एग्जाम्पल है वो आप क्या पीते हैं सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन पीते हैं गैस इन लिक्विड काइंड ऑफ सोल्यूशन अगला लिक्विड इन लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड के काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे डेली बेसिस पे अगर मैं एक एग्जाम्पल उठाऊं जो बिल्कुल याद होना चाहिए तो कौन सा है दूध वाला जो दूध दे के जाता है उसमें क्या मिला कर जाता है पानी वो कौन सा एग्जाम्पल हो गया लिक्विड इन लिक्विड का सोल्यूशन कोई भी दो मिसिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं वो कौन सा एग्जाम्पल होंगे लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन और तीसरा क्या है सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की एक जो बेसिक डेफिनेशन एक जो दिमाग में हमारे पिक्चर बनी हुई है वो इसी टाइप ऑफ सोल्यूशन की बनी है कि सॉलवेंट हमारे पास लिक्विड है पानी और सोल्यूट उसमें हमने सॉलिड डाल दिया चीनी डाल दी नमक डाल दी या कुछ भी ऐसा डाल दिया सॉल्ट इन वाटर शुगर इन वाटर ठीक है तो लिक्विड एज अ सॉलवेंट और तीन तरह के सल्यूट गैस इन लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पे नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है जब हमारा सॉल्वेंट क्या है सॉलिड सॉल्वेंट है सॉलिड पहली बार गैस इन सॉलिड सॉलिड में गैस इन्फ्यूज करा दी इसका एग्जाम्पल क्या है एब्जॉर्बशन ऑफ गैसेस ओवर मेटल्स आपके पास कोई मेटल है मान लेते हैं पैलेडियम है प्लेटिनम है कुछ भी ये आपके पास मेटल है मेटल का स्टेट क्या होता है सॉलिड स्टेट इसके ऊपर आपने क्या करा दी गैस एड्जॉर्ब करा दी तो ये क्या बन गया कैसा सोल्यूशन सॉलिड सॉरी गैस इन सॉलिड गैस कम है तो गैस इन सॉलिड ठीक नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड अब क्या किया सॉलिड में लिक्विड डाल दिया क्या एग्जाम्पल है मर्करी इन जिंक मर्करी इज ऑल्सो अ मेटल लेकिन कौन से स्टेट में होता है लिक्विड स्टेट में मरकरी इन जिंक जिंक में आपने मरकरी डाल दी या फिर मरकरी इन गोल्ड गोल्ड में क्या किया मरकरी डाल दी या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट अब यहाँ पे पांच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में था थोड़ा सा वाटर ऐड करा दिया तो क्या बन गया सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव एच टू ओ लास्ट क्राइटेरिया सॉलिड इन सॉलिड मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है इसका एग्जाम्पल क्या है होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स मेटल अलॉयज तांबा पीतल स्टील ये जितने भी अलॉयज़ हैं ये मिक्सचर ऑफ मेटल ही तो होते हैं और मिक्सचर ऑफ मेटल का मतलब क्या है कोई एक मेटल होगा प्लस कोई दूसरा मेटल होगा हो सकता है एक और मेटल हो तो इसमें किसी एक का कंपोजिशन बहुत ज़्यादा होगा दूसरे का कंपोजिशन उससे कम होगा और तीसरे का कंपोजिशन सबसे कम होगा तो जिसका कंपोजिशन ज़्यादा है उसे ही हम क्या मान लेते हैं कि वो हमारा सॉल्वेंट है और जिसका कंपोजिशन कम है वो हमारा सोल्यूट है तो ये क्या बन गया सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सोल्यूशन कौन से मेटल अलॉयस यानी कि तांबा पीतल स्टील एट्सट्रा तो ये नौ तरह के सोल्यूशन पॉसिबल्स हैं इन्हें याद करने के लिए सॉल्वेंट में एक बार गैस को ले लो एक बार लिक्विड को ले लो और एक बार सॉलिड को, को ले लो और उसके बाद गैस इन गैस लिक्विड इन गैस सॉलिड इन गैस वैसे ही गैस इन लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड गैस इन सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड ठीक है ये याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एन में दिया हुआ है और ये सी बी एस में पूछा जा चुका है आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बाद अब हम बात करेंगे कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की कंसंट्रेशन वर्ड ऑलरेडी हम क्लास एलेवेंथ में पढ़ चुके हैं जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे वहाँ पर हम देख चुके हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूशन कैसा है सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट है कितना गाढ़ा है सोल्यूशन डायल्यूट सोल्यूशन है कैसा है तो कंसनट्रेशन के लिए एक जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ याद रखनी है आपको वो ये है कितना सल्यूट है और कितने सॉल्यूशन में हैं यही होता है हमारा कंसेंट्रेशन ठीक है अब सबसे पहला जो कंसेंट्रेशन टर्म है वो है हमारा परसेंटेज कॉन्सेप्ट परसेंटेज मतलब कितने में कितना सत्तर परसेंट आए मतलब सौ में से सत्तर मार्क्स आए अस्सी परसेंट आए मतलब सौ में से अस्सी मार्क्स आए तो परसेंटेज मतलब हुआ टोटल और उसमें से आपका कितना है ठीक है मास परसेंटेज यहां मास रख दो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन और परसेंटेज के लिए इंटू हंड्रेड परसेंटेज बाय वॉल्यूम यानी वेट बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तीसरा परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू हंड्रेड नेक्स्ट है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के लिए मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना सल्यूट है वो क्वांटिटी ग्राम में और कितने सल्यूशन में डिजोल्व है वो क्वांटिटी लीटर में तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम पर लीटर ठीक है दो चीजें हो गई परसेंटेज कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथ अब एक क्वेश्चन है पीछे जो अभी हमने परसेंटेज कॉन्सेप्ट कवर किया ना ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम बेंजीन इज डिजॉल्व इन वन टेन टू टू ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू हंड्रेड ठीक है अब सोल्यूट कौन है कैसे पता करेंगे जिसका अमाउंट कम है बेंजीन है ट्वेंटी टू ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड है वन ट्वेंटी टू ग्राम तो सोल्यूट कौन हुआ यहां पे बेंजीन रख देंगे ऊपर अब सोल्यूशन की जगह पे क्या रखेंगे वन ट्वेंटी टू नहीं सोल्यूशन मतलब क्या हुआ मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड तो सॉल्वेंट है ना सोल्यूशन जब बनेगा तो उसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी सल्यूट भी और सॉल्वेंट भी तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 22 अपॉन 22 प्लस 122 ट्वेंटी बाय मल्टीप्लाइड इसे जब हम सॉल्व करेंगे इसे सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर निकल के आएगा वही क्या होगी हमारी मास परसेंटेज यानी कि मेमोरेबल बात यहां पे यह थी कि मास ऑफ सॉल्यूशन के केस में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास ऐड करेंगे ये मिस्टेक नहीं करनी है कि सिर्फ सॉल्वेंट का मास ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ठीक है तो ये क्वेश्चन किसका हो गया है मास परसेंटेज का अगला कॉन्सेप्ट पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन जैसे हमने परसेंटेज सॉल्व किया था ना अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन टू हंड्रेड बिल्कुल सेम है सिर्फ फ़र्क कितना है मल्टीप्लीकेशन यूनिट का जहां पार्ट्स पर मिलियन होगा वहां हम टेन टू पावर सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और जहां पार्ट्स पर बिलियन होगा वहां हम टेन की पावर नाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है पी है तो टेन की पावर सिक्स और पी है तो टेन की पावर नाइन नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन कितना मोल्स ऑफ सल्यूट कितने सल्यूट हैं मोल्स ऑफ सल्यूशन कितने मोल ऑफ सोल्यूशन में जैसे हम मास परसेंटेज कर रहे थे मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन टू हंड्रेड वाला पार्ट हटा देंगे वैसे ही हम मोल फ्रैक्शन करेंगे मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूशन परसेंटेज नहीं पूछा है इसलिए यहां पे हंड्रेड नहीं लगाएंगे जैसे मोल फ्रैक्शन वैसे ही मास फ्रैक्शन केवल टर्म का डिफरेंस है मोल फ्रैक्शन के केस में मोल्स ऑफ सल्यूट मास फ्रैक्शन के केस में मास ऑफ सल्यूट ठीक है तो मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन सेम चीजें हैं इसके बाद मोलैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेंट्रेशन टर्म जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है मोलैरिटी क्या होता है मोलैरिटी मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अभी इससे पहले हमने देखा था स्ट्रेंथ क्या था ग्राम पर लीटर यानी ग्राम ऑफ सेल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर और मोलैरिटी क्या है मोल्स पर लीटर यानी कि मोल्स ऑफ सल्यूटेड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स ठीक है अब मोलैरिटी रिलेट कर रही है वॉल्यूम से हमें ये पता है कि टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम को बहुत अफ़ेक्ट करता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा बढ़ता जाएगा क्योंकि स्टेट चेंज होने लगती है टेम्परेचर आपने बढ़ाया कंपोजिशन सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चली गई मॉलिक्यूल्स दूर हो गए वॉल्यूम बढ़ गया टेम्परेचर आपने और रेस कर दिया तो मॉलिक्यूल अब लिक्विड स्टेट से उठ के कहाँ चले गए कैशियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स और दूर हो गए और वॉल्यूम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम को इफेक्ट करता है और वॉल्यूम किससे रिलेटेड है मोलैरिटी से तो टेम्परेचर मोलैरिटी को भी इफेक्ट करेगा ठीक है मोलैरिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है मोलैरिटी पे पड़ता है मोलैरिटी की एक इक्वेशन होती है एम वन वी वन इज़ टू एम टू वी टू अगर हमारे पास दो सोल्यूशन हैं तो उनकी मोलैरिटी हम इससे इक्वेट कर सकते हैं मुलारिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोलारिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन जब भी हम टाइट्रेशन जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं केमिस्ट्री लैब में तो हम एन वन वी वन एन टू वी टू एम वन वी इन्हीं इक्वेशन का यूज़ करते हैं ठीक है अब तीसरी चीज़ क्या आ गई कि अगर हमने दो मिक्सचर्स को मिक्स कर दिया मान लीजिए कि हमारे पास दो तरह के सोल्यूशनस हैं एक की मोलारिटी है m1 वन और दूसरे की मोलारिटी है M2 और ये है दोनों का वॉल्यूम अब इन दोनों को मिक्स करके हमने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया M3 इसकी मोलारिटी क्या होगी इसकी मोलारिटी मान लेते हैं पाँच मोलर है और ये दस मोलर है तो जो मिक्सचर बना है उसकी मोलारिटी क्या होगी उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मिक्सचर की मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू ये हो गई बात मोलारिटी की कैसे हम मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं अब ये एक मोलारिटी का क्वेश्चन भी ले लेते हैं वट विल बी द मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है कंटेनिंग फाइव ग्राम वेट कितना दिया है फाइव ग्राम ऑफ एन यू एच इन 250 फिफ्टी एम एल ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम कितना है 250 फिफ्टी एम एल मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स अपॉन लीटर यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर क्या हमें मोल्स दिए हुए हैं नहीं तो पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे मोल्स अभी हम क्लास इलेवेंथ में सीख चुके हैं मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानि कि फाइव अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एच मास निकालना भी हमने क्लास इलेवन बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा था सबके मास को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे ट्वेंटी थ्री प्लस सिक्सटीन प्लस वन ट्वेंटी थ्री फॉर सोडियम सिक्सटीन फॉर ऑक्सीजन एंड वन फॉर हाइड्रोजन ऐड करेंगे फोर्टी तो मोलिकुलर मास कितना आ गया फोर्टी ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ठीक है अब जरा यहां पुट कर देंगे फाइव अपॉन फोर्टी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर वॉल्यूम किस में दिया हुआ है एम में इसे हम थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा अब जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं वन बाई टू यानी कि पॉइंट फाइव ऐसा कोई ऑप्शन है पॉइंट फाइव जैसा ऑप्शन नंबर वन तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल आई पॉइंट फाइव क्या क्या याद रखने वाली बातें हैं मोल्स पर लीटर तो पहले हमें सिर्फ वेट दिया हुआ है वेट से हमें मोल्स निकालने हैं और फिर वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है लीटर में उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे अपनी मोलारिटी आगे देखते हैं मोलैरिटी के बाद बात आएगी मोलैलिटी की मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है केवल डिनोमिनेटर का मोलैलिटी में हम सॉल्यूशन ना कंसीडर करके क्या कंसीडर करते हैं सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं इन किलोग्राम्स तो इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स तो इसकी यूनिट हो जाएगी क्या मोल्स पर किलोग्राम ठीक है अब मोलारिटी और मोलालिटी एक जैसे हैं थोड़ा सा फ़र्क है केवल तो इनका आपस में कुछ रिलेशन भी होगा क्या रिलेशन है वो ये रहा वो रिलेशन डी अगर डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कैपिटल एम है आपका मोलारिटी और स्मॉल है है आपका मोलालिटी ये क्या है स्मॉल एम मोलालिटी और एम डैश है आपका मोलिकुलर मास तो रिलेशन होगा डी इज इक्वल्स टू एम इन टू वन बाई स्मॉल एम प्लस एम डैश अपॉन थाउजेंड ठीक है ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है इससे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं आगे अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम एक दो क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको समझ में आ जाए ठीक है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इन टू वन अपॉन मोलारिटी प्लस मोलिकुलर मास अपॉन थाउजेंड ठीक है अब देखते हैं आगे क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मोलालिटी मोलैलिटी कितनी 0.25 मोलालिटी का फॉर्मूला क्या मोल्स अपॉन किलोग्राम मोलालिटी दी हुई है 0.25 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वेट नहीं पता है मॉलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा यूरिया का एनएच टू सी ठीक है फोर्टीन प्लस टू प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन प्लस फोर्टीन प्लस टू ठीक है सॉल्व करके देखेंगे लेंगे जरा सिक्सटी मॉलिकुलर मास कितना आया सिक्सटी डिवाइडेड बाय अमाउंट कितना टू पॉइंट फाइव किलोग्राम अब जरा इसे सॉल्व करते हैं पॉइंट टू फाइव इज़ इक्वल टू वेट अपॉन सिक्सटी इंटू वन अपॉन टू पॉइंट फाइव वेट निकालेंगे तो पॉइंट टू फाइव इंटू सिक्सटी इंटू टू पॉइंट फाइव इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा वेट ऑफ यूरिया कितना ग्राम यूरिया चाहिए जो हम डिजोल्व करें सॉल्वेंट में तो हमें क्या मिल जाएगी पॉइंट टू फाइव की मोलिटी ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ ये क्वेश्चन वैसे ही है जो जिसमें हम मोलैरिटी और मोलारिटी को आपस में इंटर रिलेट करके देखते हैं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दी हुई है वन पॉइंट थ्री फाइव डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दी हुई है 1.02 पॉइंट जीरो मास कैलकुलेट कर लेंगे एच टू एसओ फोर का नाइन्टी एट ठीक है अब जरा एक बार उस फॉर्मूले की तरफ देखते हैं कि फॉर्मूला था क्या डेंसिटी इज इक्व टू मोलैलिटी इंटू वन अपॉन मोलालिटी प्लस एम डैश बाई थाउजेंड अब जरा इसी फॉर्मूले को पुट करके देखते हैं अपने क्वेश्चन में डेंसिटी इज इक्व टू मोलैलिटी इंटू वन अपॉन मोलालिटी प्लस एम डैश बाई थाउजेंड ठीक है सारी वैल्यूज गिवेन है वन पॉइंट जीरो टू इज इक्व टू वन पॉइंट थ्री फाइव इन हमें क्या निकालनी है मोलालिटी प्लस मोलिकुलर मास नाइन्टी एट अपॉन थाउजेंड सॉल्व कर लेंगे इसे हम सिंपल सा कैलकुलेशन है इसे हम जब सॉल्व करेंगे ठीक है इस 98 को इधर लेकर आ जाएंगे थाउजेंड ऑफ मोलैलिटी अब एलसीएम लेंगे ठीक है अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे क्या निकल आएगी हमारी मोलैलिटी तो अगर मोलारिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा जो फॉर्मूला है उसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे और हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं िटी को मोलारिटी में या वाइस वर्सा ठीक है इसके बाद मोलारिटी एंड मोलारिटी, अब मोलारिटी भी दी हुई है और मोलारिटी भी दी हुई है हमें क्या निकालना है डेंसिटी तो वही फॉर्मूला डेंसिटी निकालनी है मोलैरिटी कितनी दी हुई है इलेवन पॉइंट वन टू मोलैलिटी कितनी दी हुई है नाइंटी फोर पॉइंट वन थ्री प्लस मोलिकुलर मास 98 एट अपॉन थाउजेंड सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन और क्या निकल आएगी हमारी डेंसिटी ठीक है इसके बाद देखते हैं नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी क्या होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाई डिजॉल्व हुए हैं कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में उसे ही हम बोलेंगे नॉर्मैलिटी ठीक है अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे मास को डिवाइड कर देंगे हम उसके इक्विवेलेंट मास से नेक्स्ट है हमारा नॉर्मैलिटी इक्वेशन जैसे पीछे हमने मोलारिटी की इक्वेशन देखी थी एम वन वी वन एम टू वी टू वैसे ही इस बार हम क्या देखेंगे नॉर्मैलिटी की इक्वेशन बिल्कुल सेम है एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू और जैसे हमने मिक्सचर की मोलारिटी निकाली थी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू सिमिलरली हम क्या निकालेंगे मिक्सचर की नॉर्मैलिटी एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू तो मोलारिटी और नॉर्मैलिटी में चाहे वो इक्वेशन हो या मिक्सचर हो दोनों में जो फार्मूला है वो बिल्कुल क्या है सेम है केवल टर्म्स का डिफरेंस है कमिंग नेक्स्ट फॉर्मेलिटी अब फॉर्मेलिटी क्या होती है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट कितने ग्राम फार्मूला मास है उसे हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए अब फार्मूला मास क्या होता है जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे क्लास एलेवेंथ में तो वहाँ हमने पढ़ा था मॉलिकुलर मास एटॉमिक मास उसी में पैरेलल हमने पढ़ा था फार्मूला मास फॉर्मूला मास सेम मॉलिक्यूलर मास होता है केवल किसके लिए यूज होता है आयनिक सॉलिड्स के लिए तो जहां बात आयनिक सॉलिड की होगी जैसे कि एन ए सी एल पर टर्म मोलिकुलर मास ना यूज करके क्या यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला मास ठीक है और लास्ट में एक कंसेंट्रेशन टर्म है हमारा डेमल यूनिट डेमल यूनिट क्या होता है वन डेमल यूनिट रिप्रेजेंट वन मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन वन मोल वन लीटर ऑफ सोल्यूशन एट हंड ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है आपका टेम्परेचर एक मोल अगर एक लीटर में डिजॉल्व हो तो इसे तो हम मोलारिटी भी बोल सकते हैं मोल्स पर लीटर ठीक है लेकिन यही वन मोलारिटी एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाती है डेमल यूनिट तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है इसके बाद आएगा हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब दो चीज़ें हैं जिन्हें हम कंपेयर कर रहे हैं ठीक है केमिकल इक्विवेलेंस में पहला एसिड बेस वेट ऑफ एसिड कितने ग्राम ऑफ एसिड है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बेस इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस अपॉन थाउजेंड अगर हम एसिड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम बात करेंगे कितना बेस लगा उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में ठीक है अगर आपके पास एसिड है और ग्राम इक्विवेलेंस वेट सॉरी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपको लगाना है तो वहाँ बात हो रही है कितना एसिड था आपके पास और कितना बेस कितना स्ट्रेंथ का बेस और उसका कितना वॉल्यूम आपने यूज़ किया गिवन एसिड को न्यूट्रलाइज करने में ठीक है एसिड हमें गिवन था जो हमारे पास था वेट ऑफ एसिड और उसका कुछ ग्राम इक्विवेलेंट वेट और जो बेस हमने यूज़ किया उसकी स्ट्रेंथ क्या थी उसकी नॉर्मैलिटी कितनी थी और उस स्ट्रेंथ का कितना वॉल्यूम हमने यूज़ किया वॉल्यूम ऑफ बेस ठीक है सिमिलरली जस्ट ऑपोजिट जब हम बेस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम बेस को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए क्या यूज़ करेंगे एसिड यूज़ करेंगे एसिड का न्यूट्रलाइजेशन बेस से इसलिए एसिड के पैरेलल में वॉल्यूम और स्ट्रेंथ किसकी लगेगी बेस की और बेस का न्यूट्रलाइजेशन एसिड से तो बेस के पैरेलल में इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में यूज होगी एसिड के रिस्पेक्ट में यूज होगी ठीक है अब अगर वॉल्यूम और स्ट्रेंथ एसिड और बेस की बराबर है जितना वॉल्यूम जितना स्ट्रेंथ एसिड का है उतना ही वॉल्यूम उतना ही स्ट्रेंथ किसका है बेस का है तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा न्यूट्रल ठीक है अगर वॉल्यूम ऑफ और स्ट्रेंथ एसिड का ज़्यादा है और बेस का कम है तो सोल्यूशन एसिडिक अगर वॉल्यूम और स्ट्रेंथ बेस का ज्यादा है तो सोल्यूशन कैसा बेसिक ठीक है जिसका वॉल्यूम जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा सोल्यूशन का नेचर उसी की तरफ टिल्ट हो जाएगा और अगर दोनों बराबर हैं तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा आपका ठीक है नॉर्मैलिटी भी वॉल्यूम uh, डिपेंडेंट होती है इसलिए किसके साथ चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ तो दो क्वांटिटीज जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं मोलारिटी और नॉर्मेलिटी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का नेचर कैसा होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी अब नेचर सिमिलर होता है कुछ तो इंटर कनेक्शन होगा ही इंटर कनेक्शन क्या है नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इन टू मोलिकुलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ठीक है एसिड के टर्म में देखें तो मोलैरिटी को उसकी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नॉर्मैलिटी मिल जाएगी जैसे कि मोलारिटी दी हुई हो एच सी एल की अगर बात करें तो उसे हम वन से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एच सी एल जैसे एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी वन एच टू एस फोर है तो टू ठीक है नॉर्मैलिटी को अगर बेसिसिटी से डिवाइड कर दें तो मोलारिटी मिल जाएगी और मोलारिटी को अगर हम बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें मोलारिटी इन टू बेसिसिटी विल गिव यू नॉर्मेलिटी एस बेस के केस में एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे यही रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में ठीक है अगर एसिडिक मिक्सचर है तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे वी ए एन एसिडिक मिक्सचर मतलब वी ए एन ए की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी अभी पीछे डिस्कस किया तो जो ज़्यादा है वी ए एन ए माइनस वी बी एन बी बेस का वॉल्यूम और स्ट्रेंथ कम होगा एसिड से तो एसिड में से बेस को सब्सट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे दोनों के एडिशनल वॉल्यूम से और अगर बेसिक मिक्सचर की बात करेंगे तो यहाँ पे बेस का वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो वी बी एन बी माइनस वी ए एन ए और उसे डिवाइड कर देंगे हम कॉमन मिक्सचर के वॉल्यूम से ठीक है ये बात हो गई नॉर्मेलिटी मोलारिटी और इनके आपस के रिलेशन की अब आगे चलते हैं ये एक क्वेश्चन है टू मोलल सोल्यूशन मोलैलिटी कितनी टू इज ऑपटेन्ड बाय डिजोल्विंग 0.5 मोल ऑफ सल्यूट मोलैलिटी दी हुई है सोल्यूट का मोल्स भी दिया हुआ है निकालना क्या है सॉल्वेंट या सोल्यूशन चलो देखते हैं मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स पर किलोग्राम किलोग्राम भी किसके सॉल्वेंट के, Solvent के. मोलालिटी दी है टू और मोल्स दिए हुए हैं पॉइंट फाइव अपॉन अब अगर मास ऑफ सॉल्वेंट देखें तो कितना आया पॉइंट फाइव अपॉन टू यानी कि वन बाई फोर अब इस वन बाई फोर को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.25 तो 0.25 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मतलब किलोग्राम में तो आंसर ही नहीं है अब जरा इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करके देखो एक किलोग्राम में होते हैं थाउजेंड ग्राम्स तो 0.25 किलोग्राम में कितने होंगे 250 फिफ्टी ग्राम्स सॉरी 250 फिफ्टी ग्राम्स ऑफ सॉलवेंट जरा देखो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या ये रहा ठीक है तो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आपसे घुमा के पूछेगा इसमें सब कुछ दिया हुआ था मोलैलिटी भी दी हुई थी और नंबर ऑफ मोल्स भी दिए थे सिर्फ सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना था ठीक है कन्वर्जन एक एडिशनल जो कॉन्सेप्ट लगा वो क्या लगा हमारा कन्वर्जन का तो ये आज के लेक्चर में हमने कवर किया है सोल्यूशन के टाइप्स सोल्यूशन के कंसेंट्रेशन टर्म्स उनका कैलकुलेशन और उनका म्यूचुअल इंटर थैंक यू thank you